सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले भाई, ज्यादा तो कुछ करने नहीं वाले, CWL के अटैक्स करेंगे और उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस हम करने वाले, वो भाई नेम चेंज। और एक्चुअली गाइस ये जो अकाउंट है ये हमारे साहिल भाई का है, तो उन्होंने मुझे दिया है फॉर ट्रॉफी पुशिंग। और गेस व्हाट, हम लोग टाउन हॉल 7 के ऊपर वापस से ट्रॉफी पुश करने वाले और लेजेंड लीग वापस से करेंगे भाई टाउन हॉल 7 के ऊपर, क्योंकि यार काफी मजा आता है। लिटरली आई होप आपको भी काफी मजा आएगा। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये सीरीज आप लोग फॉलो करना कंटिन्यू। और उसके साथ ही गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में गोल्ड पास गिव अवे अनाउंस हुआ था कमेंट के ऊपर, तो उसका विनर डिक्लेयर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही नेक्स्ट गोल्ड पास गिव अवे का आई थिंक सो बता दूंगा। चलो ठीक है, और या फिर देखते क्या होता है भाई, मूड के ऊपर डिपेंड है। काफ़ी गोल्ड पास चले गए यार, इतने सारे गोल्ड पास के गिव अवे आई थिंक सो बहुत सारे हुए। सो इस यहाँ पे नेम चेंज यहाँ पे करना है मेरे को, लेकिन यहाँ पे क्या है ना सीन, एक चीज़ बताता हूँ आपको। मोर सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पे भाई 1000 gems, क्योंकि एक्चुअली यार ये मैं नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा हूँ, 1000 gems लेंगे गाइस यहाँ पे सिर्फ एक नेम चेंज के लिए, समझ रहे हो आप लोग? तो वो हम करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस हम लोग फटाफट से ना CWL के अटैक्स कर लेते, कुछ अटैक्स बस, तो 2-3 अटैक्स आई थिंक सो होंगे, तो चलो फटाफट निपटा देता हूँ अटैक्स। तो यहाँ पे मैं अब हमारे नए टाउन हॉल 11 के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, करना है अटैक, और वो एक्चुअली न्यू टाउन हॉल 11 है। तो भाई यहाँ पे मैं इतना ऊपर हूँ और काफ़ी ज़्यादा हार्ड बेसेस आए, तो नंबर 8 का बेस चेक कर लेते, और आई थिंक सो TH11 का है। चलो ठीक है। सो गाइस वीडियो ना प्लीज़ एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। साथ ही भाई नाम क्या रखेंगे वो भी एक मिस्ट्री है, तो आपको पता चलेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। चलो फटाफट हम लोग अटैक कर लेते, और आपके CWL के अटैक्स मुझे बता देना कैसे हुए और कैसे चल रहे, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो यार। 1.5 लाख के कब होंगे यार, पता नहीं, एक महीने के ऊपर हो गया भाई, अभी तक 1.5 लाख सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहे, क्या हो रहा है यार। चलो गाइस फटाफट इस पर कर लेता हूँ अटैक सीधा, और आई थिंक सो आर्मी बूस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन चलो देखते क्या होता है भाई। एकदम सीधा कूद गया हूँ मैं अटैक के ऊपर, थोड़ा ये बूस्ट कर लेता हूँ। ओ भाई साहब, यहाँ पे टाउन हॉल 10 से यहाँ पे 11 आया हूँ आई थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेस पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा भाई, देखते अभी क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी से अटैक कंप्लीट करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे सीधा। आपको पता है ना क्या करना है, टाउन हॉल 7 का नेम चेंज करना है भाई 1000 gems से, समझ रहे हो आप लोग? भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं करने जा रहे हम लोग, बहुत बड़ी चीज़ करने वाले जो किसी ने की नहीं है आई थिंक। चलो यहाँ पे गाइस कर लेता हूँ, फनल करना है हमको, तो भाई साहब यहाँ पे फनल हो पाएगा क्या, देखते हैं क्या होने वाला है। क्वीन डाल देता हूँ यहाँ पे, और उसके साथ ही हीलर्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फनल करवाना है, ओके ये यहाँ पे टारगेट हो गया। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वॉल ब्रेकर से यहाँ पे वॉल तो तोड़ दिया है, तो आई थिंक सो अभी क्वीन अंदर ही आएगी और कहीं जाएगी नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे गाइस, लेट्स सी। ओ भाई साहब क्या हो रहा है यार, वो वहाँ पे क्यों जा रही है क्वीन, देख रहे हो क्या कर रही है, कैसी हरकत कर रही है। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ से जाने का क्यों, मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन चूज़ किया ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को CC मिल जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो भाई सूरज भाई इतने ज़्यादा पोशंस क्यों यूज़ कर लिए इस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि यार काफ़ी दिनों के बाद CWL के कुछ अटैक्स करूँगा, तो इस वजह से सोचा यार फेल वेल नहीं करना चाहता बस, और कुछ नहीं, ताकि अच्छे अटैक्स हो। CC यहाँ पे फटाफट निकल जाए ना, तो फिर उसके बाद हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे सीज वगैरह स्टार्ट कर देते हैं डालना। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो रहा है यहाँ पे क्वीन के ऊपर, तो एक यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्रीज, और यहाँ पे चलो वॉल ब्रेकर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ओ भाई वॉल ब्रेकर तो कहीं और ही जा रहे, चलो ईगल निकल गई है, CC लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई। ओ भाई साहब CC में कुछ है ही नहीं लगता है, अरे भाई मतलब यहाँ पे मतलब सारा माल पानी हमारा पानी में चला गया लगता है, लेकिन चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे 3-star तो फटाफट कर लेंगे, सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट अटैक की तरफ भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे 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 क्वीन मरने वाली है आई थिंक सो, लेकिन हम बचा लेंगे क्वीन को, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग एक फ्री स्पेल यूज़ कर लेते हैं, ये कही यहाँ पे एक फ्री हीलिंग स्पेल मेरा मतलब है, और उसके साथ अभी यहाँ पर एक ये यूज़ कर ले क्या फ्रीज। ओ भाई क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ यार, कितने सारे ट्रूप्स हमारे टाउन इसको एकदम मिस कर दिए। वार्डन की एबिलिटी देना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, अभी यहीं पे आ जाएगी एक और हीलिंग स्पेल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स है। और हमारा वार्डन बुढ़ा भाई क्या कर रहा है, ये बुढ़ा किधर भाग रहा है, देखो यार सीरियसली अभी क्या बोलो अभी इसको, देखते क्या होने वाला है यहाँ पे इस अटैक के अंदर गाइस। और वार्डन की एबिलिटी मुझे देनी है, लेकिन ये इतने सारे ट्रूप्स के पीछे भाग ही नहीं रहा है ये वार्डन,
और ओ भाई 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 देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे अटैक में। मुझे भाई कुछ भी करके 3 स्टार करना है यार इस बेस के ऊपर, होना चाहिए, हो जाएगा। चलो भाई दे देते वार्डन की एबिलिटी, एटलीस्ट बाहर के जो जो भी ट्रूप्स बचे हैं ना उनको तो एटलीस्ट यहाँ पे मारे ना, मतलब वो ना मरे एटलीस्ट। और ये हो तो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ऑलमोस्ट। मैं एक टाइम के लिए ना डर गया था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है अटैक में, एकदम से वार्डन भाई इतने सारे ट्रूप्स को छोड़ के कहीं और ही जाके किसी को मतलब पीछे भाग रहा है, तो एबिलिटी इसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी लेट कर दी। और अगर वो एबिलिटी परफेक्ट मिडल में गिरती ना, मतलब मिडल में देता तो काफ़ी सही होता, क्योंकि यहाँ पे अटैक हमारा जल्दी 3 स्टार हो जाता था। लेकिन भाई क्या बोले, अभी वार्डन को उसकी मर्जी। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई अचीवमेंट भी कंप्लीट हो चुका, तो फटाफट से गाइस अभी नेक्स्ट टाउन हॉल के ऊपर बढ़ते हैं। A few moments later. So गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टाउन हॉल 14 के अंदर, और यहाँ पे 14 से हम लोग करेंगे अटैक नंबर 3 का बेस। ओ भाई चलो नंबर 3 का बेस यहाँ पे बाकी है, तो नंबर 3 को देखते और कर देते भाई, इतना मतलब ऐसा ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं। चलो फटाफट इजी अपोनेंट्स आए तो कर लेते हैं, और इस अटैक के बाद हम लोग सीधा नेम चेंज करने जाएंगे, साथ ही गोल्ड पास का विनर डिक्लेयर कर लेते हैं लास्ट वीडियो का, और उसके साथ ही सीधा बढ़ते भाई। प्लान क्या है, प्लान ये है कि आर्मी रेडी है तो प्लान अटैक करते टाइम बना लेंगे। चलो लेट्स गो, देखते क्या होता है। और गाइस वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार, 1.5 लाख करवा दो भाई। अब मैं हर वीडियो में बोलने वाला हूँ कि भाई 1.5 लाख 1.5 लाख, ताकि यार आप लोग कर दो ठीक है। जल्दी से देखते भाई, अभी काफ़ी दिन हो गए यार गाइस कि अभी इतना मतलब पहुंच नहीं पा रहे हम लोग आगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करवा देना ठीक है। तो यहाँ पे अभी निकाल दे यार, अरे यार नहीं निकाल पाया, यहाँ पे स्टोरेज फनल करना है हमको, मेन चीज़ तो यही है फनलिंग, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अरे 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 अरे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्रैप से इसके काफ़ी ज़्यादा, तो एक यहाँ पे अच्छा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एक सुपर वॉल ब्रेकर। चलो 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 चलो, यहाँ पे क्वीन के लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ पे बन चुका है, तो आई थिंक सो अंदर ही जानी चाहिए, अभी अंदर नहीं जाएगी तो भाई कहाँ जाएगी। चलो अंदर ही जाएगी यहाँ पे क्वीन, और उसके साथ ही अच्छे टारगेट पे यहाँ पे चली गई है, टोर्नेडो पकड़ लिया लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि रेज की ज़रूरत है, ओके तो यहाँ पे रेज डाल देते अभी। ओके ओके, एक और यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर है तो वो भी हम डाल देते, ताकि कहाँ चला गया यार, अब यहाँ पे क्वीन भटक जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमको यहाँ पे सीसी भी निकालनी है बाहर, एक यहाँ पे हेड एंटर, अरे लेवल 4 का है भाई रॉयल चैंपियन सामने वाले का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी सीसी भाई कब निकलेगी सीसी, एक और यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर तो है नहीं, होता तो काफ़ी मज़ा आता। अरे अरे काफ़ी टाइम ले रही है यार ये क्वीन, तो सीसी निकाल पाएगी या नहीं। एक और यहाँ पे रेज कर देते, एक और यहाँ पे रेज यूज़ कर लेते यार, वरना फिर मालूम पड़ा टाइम कुछ ज़्यादा ही टाइम जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही अभी सीसी जैसे निकल रहा है ना भाई, छोड़ो मैं नहीं वेट कर रहा सीसी का, देखते जो होगा देखा जाएगा। जहाँ से भी आए सीसी, पहले मेरे को अटैक यहाँ पे 3 स्टार करवाना है कैसे भी करके, भाई कुछ भी हो जाए ये अटैक 3 स्टार होना ही है ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। फिलहाल सीसी तो यहाँ पे कैसे भी करके आ ही जाएगी बाहर। अरे 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 दिक्कत में फंस गए लगता है हम लोग, ये देखो सीसी हमने इन सारे ट्रूप से निकलवाई है। यहाँ पे ही रेज कर देता हूँ मैं, फ्रीज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और कहाँ पे हो, अच्छा हमारे पास यहाँ पे कुछ और बचा नहीं है, तो यहाँ पे अभी गाइस ये दे देते हैं। चलो वार्डन की एबिलिटी दे देता हूँ, और उसके साथ ही यहाँ से डाल देता हूँ आरसी को। चलो यहाँ पे देखते गाइस क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे इस अटैक में, और कुछ ज़्यादा ही ट्रूप्स मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बचे हैं, और अटैक तो हो जाएगा ट्रिपल भाई, कुछ भी करके एकदम करना ही है हमको, समझ रहे हो भाई, वरना फिर ख़त्म हो गया फिर तो करियर ख़राब भाई। क्या बोले, अभी ऐसे ऐसे बेसिस के ऊपर तो नहीं करेंगे यार फिर हम लोग, कुछ भी करके ना उसे रिकवर कर देंगे, समझ रहे हो। तो मुझे पता है गाइस आप लोग थोड़ा वेट कर रहे हो कि भाई अब नेम चेंज होगा, अब नेम चेंज होगा, गिव अवे विनर होगा, तो कर लेंगे गाइस यहाँ पे फटाफट इस अटैक के बाद। चलो लेट्स गो भाई, हो गया यार, यस यस यस, लेट्स गो फटाफट चलते अभी गाइस टाउन हॉल 7 के ऊपर। और नाम भाई क्या रखे नाम, चलो नाम एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं है, आर्मी लगा देता हूँ फिर चलते सीधा ओपी ब्रो। ओके ऑल राइट, चलो गाइस लेट्स गो टाउन हॉल 7, एंड यहाँ पे गाइस नेम चेंज कर रहा है भाई, 1000 जेम्स लगाने भाई। आप सोचते रहोगे भाई क्यों कर रहा है नेम चेंज, से यूज कर ले, क्या बोले अभी गाइस देखते हैं अभी 1000 जेम्स के बाद भी क्या मतलब नेम चेंज के लिए आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभी कुछ मतलब सूरज क्या भी लिखे, TH7 नहीं यार, सूरज ओपी लाइक स्काउट ओपी की तरह सूरज ओपी कर देते, कंटिन्यू। अच्छा ओके, मेरे को लगा कि यहाँ पे नेम टेकन आया कि क्या, ऐसा मेरे को ऐसा लगा, सूरज ओपी डोंट मैच, ये क्यों आ रहा है डोंट मैच, ऑल राइट अभी यहाँ पे आएगा। अरे क्या हो रहा है ये,
रिमेंबर टू चूज एन अप्रोप्रिएट नेम. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अप्रोप्रिएट नेम नहीं कर रहा हूँ क्या? नेम डजंट, नेम्स डजंट मैच. क्या किया था मैंने यहाँ पे, रुको रुको रुको, कुछ तो दिक्कत हो गई लगता है. वापस से करते हो भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मेरे को ऐसा लगा मैंने पहले कुछ अलग डाला था क्या. अच्छा एस यू आर ए जे ओ पी, ऐसा डालते एस यू आर ए जे ओ पी. ऑल राइट, कन्फर्म कन्फर्म टाइप करना है यहाँ पे. सी ओ एन एफ आई आर एम, हो तो गया ना, डन. टाइप कन्फर्म, कन्फर्म तो टाइप किया मैंने भाई, अब क्या करूँ टाइप. अच्छा एक स्पेस आ गया था. ओ भाई चलो यहाँ पे फाइनली गाइस सूरज ओपी, और आप लोग भी गाइस सूरज ओपी कर दो, और हम लोग यहाँ पे इस आईडी से करेंगे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा. और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या वापस से आता है क्या नेम चेंज. अरे यू हैव टू नीड टू वेट अनदर सिक्स डेज. अच्छा सेवन डेज के बाद यहाँ पे वापस से आएगा. चलो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी इस टाउन हॉल से हम लोग करेंगे ट्रॉफी पुशिंग, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, और उसके साथ विनर अनाउंस कर लेते हैं यहाँ पे गिव अवे का, ताकि विनर पता चले. और उसके साथ ही गाइस नेक्स्ट गिव अवे गाइस ना अगली वीडियो में रखता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी मतलब मैं कुछ अच्छा प्लान करता हूँ आपके लिए, एक या फिर दो गोल्ड पास का. नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना. तो चलो अभी विनर डिक्लेयर करते हैं फटाफट. गाइस 190 टोटल यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे, यूनिक कमेंट्स. मैंने यहाँ पे चैनल लिंक वीडियो लिंक डाल दिए लास्ट वीडियो की, जिसमें आपने कमेंट किया था. तो यहाँ पे देखते हैं लकी विनर कौन होगा, और वो है संकेत धुड़े. संकेत भाई आप आपके चैनल के लिंक और आपका इंस्टा आईडी मुझे मेल कर देना, मेल डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गोल्ड पास गिव अवे विनर. और गाइस नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर, अगले वीडियो में अनाउंस कर दूंगा क्या करना है, और भी गोल्ड पास जीत सकते हो और आप लोग भी जीत सकते हो. चिंता मत करो, आपका भी नंबर आएगा एक ना एक दिन, हिम्मत रखो बस. ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय और गुड बाय बस.